हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेथी के पराठे कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। एकदम इजी वे में हम बनाने वाले हैं और थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा अलग स्टाइल है। मैं मेथी थोड़ी सी पका के लेती हूँ, कच्ची नहीं यूज़ करती। तो एक बार मेरी रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आइए देखते हैं कैसे बनाया है। तो मेथी के ऐसे पत्ते मैंने ऐसे तोड़ के लिए है, उसके डंडे ज़्यादा नहीं लिए हैं, थोड़े से लिए हैं। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं या फिर हाथ से ही तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं। तो मैंने हाथ से ही थोड़े टुकड़े बनाए ताकि जब हम पानी से धोए तो इसमें से जो न्यूट्रिशन है वो ना निकल जाए। हम जब काटते हैं तो इसका पानी भी जो आता है हरा निकलता है, इसलिए हाथ से जब तोड़ते हैं तो इसका पानी हरा नहीं निकलता। तो हाथ से ही मैं जनरली प्रेफर करती हूँ। तो थोड़ा सा मेथी को पका लेते हैं। तो एक छोटी चम्मच मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है। तो इसमें तड़का वगैरह कुछ हमने डाला नहीं है, राई जीरा कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ मेथी को हम तेल में थोड़ा सा ऐसा सॉटे करके थोड़ा पका लेंगे। इससे क्या होगा, वो सॉफ्ट बनेगी और पराठे में वो थोड़ा ड्राई भी नहीं लगेगी और पराठे में से निकलेगी नहीं, वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो इसको पका लेते हैं हम। अब ये पक चुकी है, एकदम श्रिंक भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया, डार्क ग्रीन हो गया है। अब इसको ठंडा करने के लिए मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसको पूरा ठंडा कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको फैला लेती हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो मैंने एक जोड़ी ली थी यहाँ पे मेथी की, तो इसका मेरा पत्ते इतने कम निकले और इतना ये श्रिंक होके हो गया। अभी यहाँ पे मैंने 10-12 लहसुन की कलिया है वो कूट के लिए है। आप रेडीमेड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने इसी में डाल दी है। अजवाइन छोटी चम्मच है, भर के लिए है छोटी चम्मच। जीरा छोटी चम्मच। हल्दी पाउडर डालेंगे छोटी चम्मच। नमक स्वादानुसार। इसमें हम आटा भी डालने वाले हैं, इसे थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है मैंने। लाल मिर्ची पाउडर अपने स्वाद के हिसाब से, या फिर आप हरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, उसका पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया। अब आटा डालेंगे हम इसमें। तो मैंने 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा यहाँ पे डाल दिया है और ये आटे को मैंने पहले छान के ले लिया है। और 1 बड़ा चम्मच बेसन लेने वाली हूँ मैं, बेसन भी मैंने छान के लिया है। तो मतलब टोटल हमारे 5 चम्मच हो गए हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हाथ से। और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका आटा गूंद के रेडी करना है। हम इसमें 1 बड़ी चम्मच घी भी डालने वाले हैं, बट थोड़ा एंड में डालेंगे। और थोड़ा सॉफ्ट ही हम आटा गूंदने वाले हैं, जैसे कि चपाती का हम गूंदते हैं सेम वैसे ही। तो मेरा आटा गूंद के रेडी है। तब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच भर के घी डाल रही हूँ। घी को अच्छे से मिक्स करते हैं, उसको मल लेते हैं आटे में। घी डालने से होता क्या है, जब हम पराठे ऐसे ही खाते हैं, मतलब किसी सॉस चटनी अचार किसी के साथ ना खाए तो भी ये सूखे नहीं लगते खाते समय, इसलिए घी डालना थोड़ा ज़रूरी है। और घी का जो स्वाद है वो अच्छे से उतर जाता है, खाते समय फील होता है कि हमने इसमें घी डाला है, बढ़िया आता है स्वाद। तो इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो मिनिमम 15 मिनट तो रखना है, तो मैं थोड़ा आधा घंटा इसको रख देती हूँ सेट करने के लिए। जितना ज़्यादा रखेंगे हमारे जो पराठे हैं एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो आधा घंटा से थोड़ा ऊपर ही हो गया है, तो मैं हाथ को थोड़ा सा घी लगा रही हूँ और चपाती के साइज़ के ही छोटे छोटे इसके बॉल्स हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा आटा लेके इसको गोल शेप दे के हम बेलेंगे। आपको पराठे कितने बड़े बनाने हैं उसके हिसाब से आप ये गोला छोटा बड़ा ले सकते हैं। अभी इसको सूखे आटे में थोड़ा सा लपेट के
उसको थोड़ा बेल लेते हैं हम। और जनरली हम पराठे हमेशा मोटे बनाते हैं, तो मेथी का पराठा मोटा नहीं बनता, एकदम पतला बनता है चपाती की तरह। तो जितना पतला होगा उतना ही वो खाने में स्वादिष्ट लगता है। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पराठे बनते हैं, हमने बेसन जो यूज़ किया है इसमें बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तभी इसको फोल्ड करेंगे, आप चाहे तो ऐसे एक ही बीच में ऐसे फोल्ड लगा सकते हैं, या फिर मैं जैसे कर रही हूँ चौकोन वैसे कर सकते हैं। तो मैं चौकोन कर रही हूँ, तो चौकोन करने से पहले थोड़ा सा अंदर घी लगाते हैं, या फिर तेल भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद नहीं है तो तेल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा घी लगा के उसको और एक फोल्ड, अब हो गया, थोड़ा सा गोल शेप दे रही हूँ मैं। वापिस से मैं आटे में उसको लपेट रही हूँ, सूखा आटे में। गेहूँ का आटा लिया है मैंने यहाँ पे। अब इसको पतला से बेल लेते हैं। हमारा पैन गैस पे गरम हो रहा है और पैन अच्छा गरम होना ज़रूरी है। देखिए एकदम पतला सा ये पराठा हमारा बेल के रेडी है, एकदम सॉफ्ट, दिखने में भी बहुत सॉफ्ट दिख रहा है। तभी थोड़ा सा तेल लगाती हूँ मैं पैन पे। सेकते समय कभी भी मैं घी का यूज़ नहीं करती, क्योंकि घी जल्दी जल जाता है, उसका धुआं धुआं सा आता है। एक हमारा पराठा अच्छा बन जाता है, बट सेकंड या थर्ड के पराठे के साथ वो घी का कड़वा स्वाद है जलने की वजह से, जो धुआं धुआं आता है वो स्मेल है थोड़ा सा उतर जाता है। तो इसलिए हमेशा घी या फिर बटर है मैं पैन से उतरने के बाद ही लगाती हूँ। तब ये पहला पराठा है तो मैं पैन को थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ, पैन अच्छे से गर्म हो चुका है और पराठा उसमें डाल रही हूँ। सेकंड पराठे के टाइम आपको घी लगाने की या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहला पराठा है इसलिए मैं इसको लगा रही थी। ऊपर से साइड से थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया है, मतलब पक चुका है ऐसा दिख रहा है, तो हम इसको पलट देंगे और दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन कलर थोड़ा सा उस पर चढ़ने तक हम उसको दोनों साइड से सेक लेंगे। अगर आप पराठे को तेल लगाने वाले हैं तो आप अभी तेल लगा सकते हैं, मैं इसको घी लगाने वाली हूँ इसलिए मैं उसको उतारने के बाद ही घी लगाऊंगी, या फिर आप बटर भी लगा सकते हैं। तो ये तैयार है हमारा पराठा, अचार के साथ खा सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, आपके मनपसंद चीज़ के साथ आप खा ही सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।